नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा जेई 2013 से है। इन्होंने कहा निर्वात में विद्युतशीलता का विमीय सूत्र एप्सिलॉन नॉट से चिन्हित किया जाता है। यदि एम द्रव्यमान, एल लंबाई, टी समय और ए विद्युत धारा है, तब इसका विमीय सूत्र क्या होगा वो हमें निकालना होगा। तो इस न्यूमेरिकल के लिए हमें पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट हमारा किस फॉर्मूले में आता है। तो ये आता है हमारे कूलम्स लॉ में, हम इसे पढ़ेंगे कूलम के का नियम। कूलम का नियम क्या कहता है, एफ इज इक्वल्स टू 1/, मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया भी है ये क्या है, सबसे पहली वीडियो में जाओ, फर्स्ट चैप्टर की जो वीडियो है उसमें मिलेगा आपको, Q2/r², जहां Q1 Q2 आवेश है, R उनके बीच की दूरी है और F उन पे लगने वाला बल है। हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट की विमा, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, करेक्ट। अब इनकी विमाएं निकालेंगे तो 1/4π तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की हमारी कोई विमा नहीं होती, विमाहीन होते हैं। अब आता है आवेश की बारी, आवेश की विमा कैसे निकालोगे, आवेश हमारा क्या होता है, धारा हमारी क्या होती है, I इज इक्वल्स टू आवेश परिणित टाइम Q/T, ठीक है। तो आवेश क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। धारा का हम कैसे निकालते हैं, एम्पियर होता है A में, T का T में, सो AT हो गया हमारा आवेश का विमीय सूत्र। तो अब ये मान यहां रखते तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 दो आवेश है, दोनों की विमाएं सेम होंगी, A2 T2। R क्या है, त्रिज्या N, L2 स्क्वायर है इसलिए L2। F क्या है, बल, बल की विमा क्या होती है, MLT-2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इन सबको ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा हमारे पास, A2 T2 ये आएगा M-1 A2 T2 L-1 T+2 और ये L-2, ये हम निकाल रहे हैं अपने एप्सिलॉन नॉट की विमा। सॉल्व करो क्या क्या है आंसर में देख लो, M से रखे हो तो MLT एक ही फॉर्म में रखेंगे, अभी M-1, L क्या होगा L-3, T⁴, A⁴। मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, M-1, L⁻³, T⁴, A² तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है।